हम भारतीय बेसब्री के साथ 22 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। 22 सितंबर वो दिन है जिस दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूर्योदय होगा और सूरज की रोशनी हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल्स पर पड़ेंगी। हम तमाम भारतीयों और इसरो के वैज्ञानिकों को भरोसा है कि हमारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से जाग जाएंगे और चांद की जमीन पर भारत के मिशन को और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जारी रखेंगे। अभी फिलहाल लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सर्द जमीन पर शीत निद्रा में लीन है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की जमीन पर रात होते ही वहां का तापमान बहुत ही तेजी से गिरना शुरू हो जाता है, यहां तक कि वहां का तापमान घटते घटते कुछ ही समय में -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अभी रात होने की वजह से वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है। इतनी ठंड में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में लगे सेंसर्स के खराब होने का डर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसरो इस तथ्य से अनजान थी कि रात होने पर वहां का तापमान -200 डिग्री से नीचे चला जाता है। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि इसरो ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में जरूर ऐसा कोई जुगाड़ लगाया होगा जो उन्हें वहां की सर्द रातों में सरवाइव करने के लायक ऊर्जा प्रदान कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी इसरो ने लैंडर विक्रम के द्वारा हॉप एक्सपेरिमेंट करवाकर दुनिया को चौंका दिया था। अपने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से भारत ने दुनिया के सामने अपने इरादे को साफ कर दिया है कि वो भविष्य में चांद पर मानव अभियान को शुरू करने के लिए तैयार है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 ने अपने इस अभियान में चांद की सतह पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम आदि जैसे महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है और साथ ही साथ ये भी पता लगाया कि चांद की सतह पर भूकंप भी आते हैं जिनका समय अंतराल काफी लंबा होता है। जबरदस्त ठंड के अलावा हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का एक और बड़ा दुश्मन है जिसके बारे में इसरो चीफ भी एक बार अपना डर जाहिर कर चुके हैं और वो है चांद की सतह पर गिरने वाले बड़े बड़े उल्का पिंड। चांद की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जो बड़े बड़े उल्का पिंडों के वहां की सतह पर गिरने की वजह से बने हैं। अगर कोई भी उल्का पिंड हमारे लैंडर विक्रम या रोवर प्रज्ञान से टकराता है तो उन्हें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे लैंडर और रोवर को इस तरह की किसी भी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े और आशा करते हैं कि हमारा लैंडर और रोवर 22 सितंबर को दोबारा एक्टिव होकर अपने अभियान को आगे बढ़ाए। आपको चंद्रयान 3 से संबंधित ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।